फ्लीटकार्ट फिल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न पर एक विशेष नीति बना रहा है। इस वीडियो का उद्देश्य आप सबको कार्यस्थल में उत्पीड़न, इस विषय में पालन करने योग्य आचरण एवं नीति दिशा निर्देशों के बारे में शिक्षित करना है। फ्लीटकार्ट फिल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड समस्त कर्मचारियों के लिए रोजगार के समान अवसर प्रदान करने और कंपनी के भीतर एक स्थिर एवं स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में यकीन करता है। इस उद्देश्य के पालन में कार्यस्थल में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ कंपनी एक विशेष नीति बना रही है। कर्मचारी का मतलब कोई व्यक्ति जैसे स्थायी पद पर नियमित या अस्थायी रूप से सीधे या एजेंट के माध्यम से रोजगार दिया गया है। यह नीति इन पर लागू होती है। कंपनी के भारत में स्थित समस्त कार्यालय, फैक्ट्रियां, कारखाने, उनकी सहयोगी संस्थाएं, सहयोगी कंपनियां, कंपनी के वितरक, ग्राहक एवं सप्लायर और वे स्थान जहां काम के सिलसिले में कर्मचारी दौरा करता है या वास करता है। आपको इस विशेष नीति की विस्तृत रूपरेखा दी जाए इससे पूर्व यह जान लेना जरूरी है कि कार्यस्थल में आचरण की नैतिकता क्या है और यौन उत्पीड़न किसे कहते हैं। यौन उत्पीड़न क्या है? निम्नलिखित में से कोई भी एक या एक से अधिक अवांछनीय कृत्य या आचरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यौन उत्पीड़न की परिभाषा में शामिल है, जैसे शारीरिक संपर्क और इसके प्रयास, या प्रणय अनुग्रह की मांग या निवेदन, या अश्लील आशय वाली टिप्पणियां, या अश्लील साहित्य दिखाना, या कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, वाचिक या अवाचिक यौन संबंधी कृत्य। आसान शब्दों में, यदि कोई कृत्य अवांछनीय है तो वह उत्पीड़न है। यौन उत्पीड़न को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है, दृश्य, वाचिक, शारीरिक। ये ना करें। कार्यस्थल में होने वाले यौन उत्पीड़नों के रोकथाम के लिए हमें निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना चाहिए। वाचिक। वाचिक दुर्व्यवहार का मतलब पीड़ित से या उसके बारे में कामुक बातें करना है। वाचिक दुर्व्यवहार में शामिल है किसी व्यक्ति के शरीर या पहनावे के बारे में यौन संबंधी टिप्पणी करना, अश्लील चुटकुले कहना या अश्लील आवाजें निकालना, धमकी देना या गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करना, अश्लील और लगातार अवांछित फोन कॉल्स करना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रणय की मांग या निवेदन करना। दृश्य। दृश्य उत्पीड़न वर्चुअल माध्यम के द्वारा किया गया यौन उत्पीड़न है, जो निहितार्थ से या फिर सीधे सीधे भी हो सकता है। दृश्य उत्पीड़न जैसे अश्लील साहित्य या यौन संबंधी वस्तुएं दिखाना, गलत इरादे से पीछा करना या घूरना, अपमानजनक संदेश भेजना, यौन संकेत युक्त ईमेल या मेमो भेजना। शारीरिक। पीड़ित महिला पर हावी होने के उद्देश्य से उसकी इच्छा के विरुद्ध दबाव के तरीके अपनाना, अभद्र स्पर्श करना या टटोलना शारीरिक यौन उत्पीड़न कहलाता है। शारीरिक उत्पीड़न का मतलब है अभद्र शारीरिक संपर्क करना, निरुद्ध करना या निरुपाय करने के लिए घेरना, टटोलना या सहलाना और उससे बदतर शील भंग या बलात्कार करना। इन सब के अलावा उत्पीड़न का एक प्रकार यौन के इरादे से किया जाने वाला भावनात्मक या मानसिक उत्पीड़न भी है, जिसमें पीड़ित के काम में दखल देना, अपमानजनक व शत्रुतापूर्ण माहौल बनाना एवं रोजगार के नाम पर ब्लैकमेल करना जैसे कृत्य शामिल हैं। यौन उत्पीड़न के किसी भी मामले में कंपनी की नीति पूर्ण असहिष्णुता की है। ये करें। यदि किसी भी महिला के साथ कार्यस्थल में ऐसा कुछ भी हो तो उच्च अधिकारियों को तुरंत रिपोर्ट करें। इलाज से रोकथाम हमेशा बेहतर होती है, इसलिए अब इसके रोकथाम पर चर्चा करते हैं। महिलाओं को कोई भी कारोबार या व्यापार करने का समान मौलिक अधिकार प्राप्त है, अतः विभागाध्यक्ष समस्त कर्मचारियों के वेतन, पदोन्नति इत्यादि पर मेरिट के आधार पर विचार करें, लिंग के आधार पर नहीं। किसी व्यक्ति की निजता एवं मर्जी का आदर करें। यह ध्यान में रखें कि आपके व्यवहार से उसकी निजी जिंदगी एवं कार्यस्थल के वातावरण पर दुष्प्रभाव न पड़े। यदि आप किसी कर्मचारी का उत्पीड़न होते हुए देखें तो प्रभावित व्यक्ति की मदद के लिए हर आवश्यक कदम उठाएं, उसका साथ दें, निवारक कार्यवाही करें एवं दोषी के विरुद्ध खड़े हों। पीड़ित को सहायता या चिकित्सा सुविधा दें। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न झेल रहे प्रभावित कर्मचारी को चाहिए कि वह कमेटी को घटनाओं का लिखित ब्यौरा देते हुए आवाज उठाए।
एवं दोनों में से किसी भी एक पार्टी के तबादले की मांग करें। ऑफिस के निर्धारित समय के बाद का कार्य मैनेजर की देखरेख में करें। यदि महिला कर्मचारियों को ऑफिस के काम से देर तक रुकना पड़े तो विभागाध्यक्ष या रिपोर्टिंग मैनेजर उनके लिए सुरक्षित यातायात का प्रबंध करें। शिकायत निवारण तंत्र। आंतरिक कमेटी द्वारा निर्धारित यौन उत्पीड़न विषयक नीतियों की जानकारी रखना सारे कर्मचारियों के लिए जरूरी है। प्रभावित कर्मचारी निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति से बात करें और उसे तुरंत बंद करने को कहें। घटनाओं का लिखित रिकॉर्ड रखें। विस्तृत कदमों के लिए FFPL यौन उत्पीड़न के रोकथाम की नीति का संदर्भ देखें। पीड़ित कमेटी को लिखित शिकायत दे सकता है, मगर यह शिकायत पत्र घटना या एकाधिक घटनाओं के मामले में अंतिम घटना घटित होने के 3 महीनों के अंदर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। शिकायत पत्र में शामिल होना चाहिए दोषी का नाम व पद, तारीख, घटनास्थल, गवाह, करतूत का विवरण। समझौता। यदि पीड़ित समझौता करने के लिए राजी हो तो कोई भी जांच शुरू करने से पूर्व कमेटी मामले को सुलझाने के लिए कदम उठाएगी। यदि पीड़ित एवं उत्पीड़क समझौते पर सहमत हो जाते हैं तो कमेटी समझौते के प्रावधानों का रिकॉर्ड रखेगी एवं कंपनी को सूचित करेगी। ऐसे मामले में आगे कोई जांच नहीं की जाएगी। जांच कमेटी एवं प्रक्रिया। यौन उत्पीड़न की हर शिकायत पर अत्यंत विवेक एवं प्राथमिकता के साथ विचार किया जाएगा। कमेटी द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जांच के संबंध में दोनों पार्टियों से बातचीत करना, आरोपों का स्टेटमेंट तैयार करना एवं अभियुक्त को देना और नोटिस मिलने के 7 दिनों के अंदर लिखित निवेदन प्रस्तुत करने का अवसर देना। दोनों में से यदि कोई पार्टी साक्ष्य के रूप में यदि कोई दस्तावेज या कोई गवाह प्रस्तुत करना चाहे तो शिकायत प्राप्ति के 10 दिनों के अंदर लिखित रूप में प्रस्तुत कर देना चाहिए। कमेटी दोनों पार्टियों के साक्ष्यों की समीक्षा करेगी। अभियुक्त को अपने बचाव का उपयुक्त अवसर प्रदान करेगी। यदि जांच के प्रावधान सेवा नियमावली के अंतर्गत नहीं आते हैं तो कमेटी मामले के 7 दिनों के अंदर पुलिस को अग्रसारित करेगी। कार्यवाही एवं दंड। जांच की अवधि 3 महीनों से ज्यादा नहीं होगी एवं अपनी जांच के परिणामों को कमेटी एक रिपोर्ट में 10 दिनों के अंदर प्रबंधन को भेजेगी। यदि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध न हो तो इस रिपोर्ट में कमेटी कंपनी को आगे कोई कार्यवाही नहीं करने की सिफारिश करेगी। यदि अभियुक्त दोषी सिद्ध हुआ तो प्रबंधन एक अनिवार्य दंड पर विचार करेगा। पीड़ित या उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को लागू सेवा नियमावली के अनुसार प्रतिवादी के वेतन से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा या प्रतिवादी को उन्हें सीधे भुगतान करने को कहा जाएगा। कार्यवाही 7 दिनों के अंदर होना बंधनीय है। झूठी शिकायत या झूठे साक्ष्य के विरुद्ध कार्यवाही। यदि कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि झूठी शिकायत की गई है या साक्ष्य के कागजात नकली बनाए गए हैं तो वह कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए कंपनी को सिफारिश करेगी। कमेटी की सिफारिशों के विरुद्ध अपील। ये ध्यान में रखें कि शिकायत समिति द्वारा की गई सिफारिशों या पारित किए गए आदेशों से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा नियत कोर्टों या ट्रिब्यूनलों के सम्मुख अपील कर सकता है। यह अपील दोनों में से कोई भी पक्ष दाखिल कर सकता है जो शिकायत समिति द्वारा की गई सिफारिशों या पारित किए गए आदेशों से असंतुष्ट हो। यह अपील शिकायत समिति द्वारा की गई सिफारिशों या पारित किए गए आदेशों की तिथि से 90 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी। कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकता सबके लिए यौन उत्पीड़न मुक्त वातावरण का निर्माण करना है। कार्यस्थल पर किसी भी यौन उत्पीड़न के मामले में पूर्ण असहिष्णुता की नीति है और ऐसे काम का अंजाम नौकरी से हाथ धोना भी हो सकता है। यौन उत्पीड़न की घटनाओं में सतर्कता और समझदारी से काम लें। सुरक्षित रहें, आवाज उठाएं और रिपोर्ट करें।